ये है वो मोमेंट जो हर मैकेरेना प्लेयर अपने मैक के साथ देखना चाहता है, कितनी बार भी देख ले लेकिन फिर भी देखना चाहता है, रिपीट में देखना चाहता है। तो इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में बात करेंगे किंग सर्वेश के बारे में। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइज ये है वो वीडियो जो किंग सर्वेश जिसमें मेरे ऑपोजिट आया है। और तो ये कौन है किंग सर्वेश, कहां से आया है, असली है या फेक? क्या ये वही किंग सर्वेश है जिसकी वीडियोस हम देखते आ रहे हैं, या फिर ये वो किंग सर्वेश है जो आजकल हैकर के नाम से बहुत मशहूर हो रखा है? ये वो किंग सर्वेश है जिसे हम अपना मेंटर मानते थे और उसकी तरह गेम प्लेस करने की कोशिश करते थे, या फिर ये वो किंग सर्वेश है जो हमारे किंग सर्वेश का नाम खराब कर रहा है? तो चलिए फ्रेंड्स पता करते हैं कि ये कौन से वाला किंग सर्वेश है। वैसे तो मैकेरेना डुप्लीकेट से बड़ी बड़ी है यार, कोई भी प्लेयर फेमस हो जाता है तो उसी के नाम से इतने अकाउंट्स बनते हैं कि पूछो मत। तो आज हमने देखना ये है कि ये भी किंग सर्वेश फेक निकलता है या फिर हैकर। अरे भाई ये देखो यहाँ पर साइड में 3 किल्स किंग सर्वेश ने इकट्ठे कर दिए हैं, मल्टी किल। या तो फिर ये किंग सर्वेश असली भी हो सकता है या फिर हैकर भी हो सकता है, क्योंकि 3 किल किंग सर्वेश ने इकट्ठे कर दिए हैं। सामने से एक और आ गया बॉट, अब पहले इसको ही मारना पड़ेगा तभी हम आगे जा सकते हैं। और वो सामने नजर आ रहा है मुझे किंग सर्वेश, अब कौन सा मैक क्यूब करके आया है ये देखना है। और मैं बिना स्टेसिस बैरियर के आगे नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज कुछ नहीं पता कि अगर हैकर हुआ तो सामने से एक शॉट में ही उड़ा देगा। और ये बॉट्स मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहे भाई, जब सोचता हूँ आगे जाऊँगा तो सामने से एक नया बॉट आ जाता है। चलो देखते हैं थोड़ा आगे जाके, लो एक और आ गया, अब पहले इसी से निपटना पड़ेगा। चलो चलते हैं अब आगे। अरे यार लेकिन ये सेंटर में कैप्चर पे एक और बॉट है, अगर मैं आगे गया तो ये पीछे से हमला कर देगा, तो पहले इससे निपट लेते हैं। अनस्टॉपेबल तो मिली है, लो पड़ गया पीछे सेंटर वाला भी, और पीछे से भी एक हमला करने लग गया। स्टेसिस बैरियर कहाँ है मेरा, थोड़ी रिलीफ। और ये निपटा दिया किंग सर्वेश ने, और इस बार भी वो डबल किल लेके गया है। अरे एक मिनट, मोटर अलार्म तो आया ही नहीं था। रेली मोटर से खेल रहा है ये और मोटर अलार्म ही नहीं आया भाई। देखते हैं आगे जाते हैं उसके पास, कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट्स जो हैं ये मुझे आगे जाने देंगे तो ही मैं जाऊंगा ना यार। पहले अपने साइड वाले बोट्स को ही खत्म करते हैं। ये आ गया एक, मारो 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 इसको, सारे मिलके मारो। यस यस नाइस। ओए व्हाट, फिर से डबल किल ले गया वो, कोई मॉडल अलार्म नहीं। अब इन बॉट्स के लिए मुझे रुकना ही नहीं है, अब इन बॉट्स को मेरे बॉट्स संभाल लेंगे, मैं जा रहा हूँ आगे। शांति से चलते हैं आगे, छुप छुप के देखते हैं ये कैसे कैसे इतने सारे किल्स ले रहा है और हर बार डबल किल। ये ले, ये रहा है। ले बेटे एक शॉट खा, ये दूसरा खा और ये तीसरा खा। पहचाना मुझे, थारा भाई रिवेंजर। इतने रिवेंज लेगा कि किसी ने सोची ना होगी। ले हो भाई स्पॉन, अब कहाँ होता है ये रैप्टर स्पॉन हुआ है, इसको तो अभी रैप्टा पड़ेगा। ले बेटे अभी डिस्टर्ब मत करने आई हो दोबारा। और ये आ गया किंग सर्वेश, असली वाला किंग सर्वेश तो नहीं है तू भाई, ये तो पता लग ही गया तेरा लॉन्ग आर्म का एम देख के। और मोटर तूने हैक कर रखी है ये भी पता लग गया, क्योंकि उसका अलार्म नहीं आया। तुम भी बिना अलार्म के मिली डैश मारेंगे बेटे, और रेलगन मिलेगी मुफ्त। चलो अब दोबारा स्पॉन हो यहाँ पर, ह्यूमिलेशन के बदले में ह्यूमिलेशन तो हमने भी ले लिया, और घर में घुस के मारा है। हैक की हुई मोटर से 2 किल के ले लिए हमारे, अपना नाम किंग सर्वेश मानने लग गए। चलो बेटे डिप्लॉय का टाइम आ गया है अब, लेकिन इस बार स्पॉन पॉइंट अपना थोड़ा दूर है और किंग सर्वेश का होम थोड़ा दूर।
अरे यार, इसने जाइफर ने फिर से मेरे को ईएमपी कर दिया। मुझे फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा। मुझे किंग सर्वेश के पास ही जाना है और सिर्फ मेरे पास पैंथर रह गया। अब बट मैं मॉर्टल को मार ही सकता। ये दिखा, ये ले बेटे, 100 हो गए यार पूरे। शेट, एक मोटर बच जाती ना मजा आ जाता। 10 किल ले गया यार, ये 10 किल गॉड लाइक ले गया उससे, हैक की हुई अपनी मोटर से। लो भाई, अपन ने भी 12 किल ठोक डाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और डैमेज का गोल्ड मेडल अपने को ही मिला है। और जो घर में घुस के रिवेंज लिया है ना, उस रिवेंज की तो आप वैल्यू पूछो ही मत। प्रीशियस अचीवमेंट होती है ये हमारे लिए। भाई एक बात सुन ले, ना तो तू किंग सर्वेश अच्छा निकला, ना तू निकला हैकर अच्छा। बिना अलार्म की मोटर से 2 किल ले लिए, वरना तू सिर्फ बोर्ड ही मार सकता है इससे। चलो भाइयों, इसकी जरा कच्चा चिट्ठा देखते हैं इसकी आईडी वाईडी क्या है, ये क्या, कितना डैमेज है इसका, जरा ये देख लेते हैं। ये है इसका एक्सपीरियंस, 2590 इसकी स्क्वाड पावर है और हाईएस्ट डैमेज देख लो इसका। और आईडी तो इसकी कॉपी कर लो, रिपोर्ट कर दो इसको जरा सारे, और वीडियो का लिंक कर देना टैग। इन भाई साहब ने करी हुई है रॉकेट मोटर को हैक, ताकि जब इसकी आईडी जाए ना तो इसको पता लगे कि हैक करने का नुकसान क्या होता है जब आईडी बैन हो जाती है। तो चलो गाइस, चलते हैं अपने बेस्ट मोमेंट की तरफ, जब हमने किल शॉट को मैक्स किया था और वो उसकी शुरुआत होती है यहाँ से। किल शॉट मैक्स करने के लिए सिर्फ 400 एकॉइंस चाहिए थे मुझे, जिसमें मैंने सोचा कि ये टीडीएम जीत जाए तो मज़ा आ जाए, 400 एकॉइंस हमें यहीं से मिल जाएंगे। लेकिन ये भाई साहब जी, जिन्होंने नया नया एक गेम शुरू किया होगा, ना तो ये खुद सोए ना इन्होंने मुझे सोने दिया। ये कहते हैं कि 400 एकॉइंस आसानी से नहीं लेने दूंगा। तो मैंने कहा भैया बैठे, हम भी हैवी ड्राइवर हैं हम नहीं छोड़ेंगे 400 एकॉइन, और मौज तो हम ही करेंगे। किल शॉट को मैक्स तो हम ही करके छोड़ेंगे आज। किल शॉट के थोड़े से ब्लूप्रिंट लेने आए, मैंने कहा चलो ये थोड़े से क्रेट्स ओपन कर लेते हैं, जितने मिल जाएंगे उतने एकॉइन बच जाएंगे। सच बोलूँ तो मैकरेना ने जो ये चीज़ करी है ना यार, 10x बॉक्स इकट्ठे खोलने वाले, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत टाइम वेस्ट होता था ये क्रेट्स खोलने के लिए, लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है मैकरेना ने। इसके लिए थम्स अप मैकरेना को, अगर आपने इस वीडियो को करना तो कर दो यार। तो ये है हमारा किल शॉट लेवल 5 पे है इस टाइम पे। तो जो क्रेडिट और एकॉइन की कैलकुलेशन है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसमें अपग्रेड हो जाएगा ये मैक्स। इस लेवल में अराउंड 3000 एकॉइंस लग रहे हैं जो कि अपने पास अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। 6300 एकॉइंस पड़े हैं अभी हमारे पास, अराउंड 6200 एकॉइंस इसमें लग रहे हैं अभी। सोचना नहीं है यहाँ पर भी बिल्कुल। लेट्स मैक्स द किल शॉट, ये 71,000 HP हो चुकी है अब इसकी। एंड भाई मिली डैश अब कितनी जबरदस्त हो गई है। एक शेडो, चीता, पैंथर, गार्डियन, AIs का तो जो भी आ जाए सब ठोक देंगे। अब अपना किल शॉट हो गया है सुपर किल शॉट। अभी फिलहाल मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें कॉम्बोज मिसाइल रैक और रेलगन का। तो एक क्यूब कर लेते हैं और चलते हैं यार, एक गेम प्ले करते हैं यार। अरे रुको यार, गेम प्ले बाद में, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो हाँ, ये देखो, 3, 2, 1, ये है उसका नेक्स्ट टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर। स्कोर देख रहे हो, 2382। लास्ट आर रश किया था बिल्कुल जब रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली होती है, तभी ये स्टार्ट किया था TDM और फर्स्ट आ गया ग्रैंड मास्टर में किल शॉट के कारण। किल शॉट पे जो कॉम्बोज मैंने लगाए थे यही रेलगन और मिसाइल रैक वाले, इसी के कारण बहुत ज़बरदस्त किल्स मिले और बहुत सही खेल हो गया यार। 1 घंटे में 1200 एकॉइंस कमा लिए, 14 कीज कमा ली, 50,000 क्रेडिट कमा लिया और मज़े ही मज़े। TDM हिस्ट्री दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो कल मैंने खेला था, 2000 आज स्कोर बनाए उस सिर्फ, और 1200 एकॉइंस जीत गया यार, अनबिलीवेबल, मज़ा आ गया। चलो गाइस चलते हैं फटाफट, आपको गेम प्ले दिखाते हैं यार इस कॉम्बो का। बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले हुआ है और मैप तो मेरा फेवरेट है ही।
शैडो दिखा हमें और दिखते ही गया फर्स्ट ब्लड और एक और शैडो। चल बेटे, अरे ये तो रियल प्लेयर था। नाइस प्रिंसेस सेल। अब ये भी भाई साहब साइफर लग रहे हैं मुझे। अरे ये लो, ये मिली डैश खाओ सर। गुड बाय सलमान खान। सलमान खान ओ मरा नहीं। सलमान खान को मारना बहुत ही मुश्किल। और भागो, कौन है पीछे से डैमेज दे रहा भाई। ओ ये किल शॉट भाई, एकदम से कैसे आया जैसे रियल प्लेयर आते हैं। आमिर अली कैसे देख रहा है भाई। हेलो आमिर, रिवेंज लोगे? बचो यार अभी तो। ये ले भाई, ले 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 रिवेंज ले ले। ओ दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये देखो भाई क्या बात है। और इसी सिस्टम क्रैश से बचना होता है आपको, इसे 30 मीटर दूर रहा करो यार। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सलमान एक बार और। ओ मिस हो गया। एक बार और ट्राई करते हैं रेल गन। यस मैन, 54K डैमेज। सैंडल मेकर को का भी सैंडल तोड़ते हैं। रुको ये फिर सैंडल बना लेगा। रुको जरा, पहले हम साइफर को मारेंगे। साइफर से तो मैं बहुत हेट करता हूँ, आई हेट दिस मैक। लो बेटे अनस्टॉपेबल। अब मार ले सैंडल मेकर, कोई बात नहीं, आ रहा हूँ मैं दोबारा से। ये ले रिवेंज। अब बता प्रिंसेस सिल्वी गया। ओ भाई आमिर अली को भी एक शॉट। और ये मल्टी किल आते ही, ये मैन कौन होते ही मल्टी किल। एक सलमान खान वहां पर नजर आ रहा है। सलमान खान ये ओ भाई बच जाता अभी अगर मैं मिली डैश चला के थोड़ा सा टर्न ना करता। सैंडल मेकर है दोबारा से और आमिर अली उसके साथ। हम थोड़ा सा दूर चलते हैं, देखते हैं जरा क्या कर सकते। शॉर्टकट से चलते हैं यार, वहां से कौन घूम के जाए। कैसा लगा आपको शॉर्टकट, आपने कभी मारा पहले ये बताओ, मुझे बताना कमेंट में यार। ये गई प्रिंसेस से, प्रिंसेस सिल आजा भाई बाहर। आ गया आमिर अली बाहर। एक शॉट, दो, अबे मरा नहीं। तीसरा खा लो सर, तीसरा। ओ यार अभी भी असिस्ट नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है यार। शिट, ये सैंडल मेकर को मारते हैं यार। रुको, करो अटैक इस पे कोई। चल मैं ही कर देता हूँ। ओ यार एक दो शॉट मार ही गया वो भी। सही है भाई सैंडल मेकर। सलमान खान सामने, जाइफर है मारो। ओए पहले ही मर गया यार। एरस बाबा है सामने, कोई बात नहीं एरस बाबा। ये लो एक मिली डैश तो खाओ, अनस्टॉपेबल इससे भी मिल चुका है मैन। ओ आमिर अली फिर से सामने, ब्रिक हाउस लेके आ गया भाई। निकलो यहाँ से, निकलो अभी सामने से। ये देख, ये प्रिंसेस से ले वो है ना। नहीं यार ये भी असिस्ट, मतलब क्या कैसे क्यों। आमिर अली सामने, ओ भाई मारने पे लगा हुआ है, क्या बोलते हैं कार्बाइन पे, कार्बाइन। चलो शैडो का तो मिल गया किल। ये एक जाइफर मिल गया, इसको तो मैं छोड़ता नहीं हूँ जाइफर को। अरे वाओ रैम्पेज स्मैकडाउन, ये मैन क्या बात है। आमिर अली ये देखा नहीं है। ओ यार एमपी कर दिया, ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गॉड लाइक कंप्लीट। और भाई क्या गेम प्ले, कैसा लगा यार गेम प्ले, सच सच बता, कमेंट कर देना यार कैसा लगा गेम प्ले। 17 किल्स, डैमेज भी ओपी, और एक से गॉड लाइक, एक से अनस्टॉपेबल, धुआंधार किल्स पे किल्स, किल्स पे किल्स। और आमिर अली को मिले हैं सिर्फ 5 किल्स। एक बार कमेंट कर देना यार, बोनस वीडियो दिखाता हूँ आपको। चलो नेगेटिव मैन ने इनवाइट किया था, ही सेड के चलो वो रश वाला करेंगे, समर इवेंट वाला यार, जो जैसे समर इवेंट वाला था चल रहा था, तो चलो करते हैं रश करेंगे इसमें सारा। सबसे पहले एक कैप्चर तो ले ही लेते हैं फिर आगे चलते हैं। और यार चलो छोड़ो इसकी मैच की क्या बात करनी है, मैं एक यार समर इवेंट की बात करना चाह रहा हूँ। आजकल बहुत सभी लोग कर रहे हैं, मतलब सभी कंटेंट क्रिएटर्स को दिया गया है चैलेंज के समर इवेंट करना। हमारे काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर ने बहुत अच्छा ये चैलेंज को कंप्लीट किया, लेकिन यार मेरे को जो अटपटी चीज़ उसमें लगी, मेयर हमेशा विम क्लैन के बंदों को ही लेता है, हमेशा मैंने देखा है।
विम क्लैन के बंदे मेयर को सपोर्ट करना पसंद करते हैं या मुझे नहीं पता, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि विम क्लैन के बंदे इंडियन कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करते, या फिर एटलीस्ट मेयर को विम क्लैन ज्वाइन करवा दो। मेयर एक बार विम क्लैन ज्वाइन कर ले, उसके बाद उसको सपोर्ट करो जितना आपने करना है, उसको सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज उसके बाद नाम होता तो विम क्लैन का होता कि विम क्लैन समर इवेंट जीता है, और वो एक प्राउड मोमेंट होता हमारे लिए कि इंडिया सबसे आगे रहा समर इवेंट ओलंपिक्स में, इंडिया का क्लैन जो है वो जीता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे मेयर से या किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये सोच रहा था कि इंडिया के क्लैन की वजह से अगर मेयर जीत रहा है तो क्यों ना इंडिया के क्लैन का ही नाम हो पहले। बाकी यार सबको पता है कि हम लोग सारे क्लैंस की, सारे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेयर को भी ये बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरा ओपिनियन है बस, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट मेरा ये ओपिनियन है, मेरे को अपना ओपिनियन शेयर करना था तो मैंने कर दिया यार। कैसी लगी यार आपको आज की वीडियो? इसको मैं यहीं एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।